वेलकम टू माय चैनल मिसेज एलकेएस किचन। आज हम बची हुई ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर बचे हुए ब्रेड ले लिए हैं। देखिए, अब हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे और ब्रेड को पानी में भिगो लेंगे और इनको निचोड़ लेंगे। तो सारे ब्रेड को हम इसी तरीके से पानी में भिगोकर निचोड़ लेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर सारे ब्रेड को पानी में भिगोकर निचोड़ लिया है। अब इनको हाथों से मैश कर लेंगे, जिस तरीके से हम आटे को गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको कर लेंगे। एक प्याज डाल दिया मैंने बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च डाल दी है, आलूओं को मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया, आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और एक चम्मच के करीब चाट मसाला डाला है मैंने। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 2 से 3 चम्मच बेसन ले रही हूँ यहाँ पर और 2 से 3 चम्मच ही मक्के का आटा लिया है मैंने यहाँ पर। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा धनिया भी डाल देंगे और हाथों से इनको मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ये ज़्यादा सूखा लगेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पानी हम थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसे आटे की तरह ही रखना है। देखिए, ये तैयार है। अब गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है ऑयल को गर्म होने के लिए। अब हम अपने हाथों को ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे और मैं इनको थोड़ा मोटा ही बना रही हूँ, कचौरी की तरह। देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो इनको अपने मन से कोई भी शेप दे सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इनको ऑयल में डाल देंगे और बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक इनको सिकने देंगे। गैस को हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। तो देखिए, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया इन पे। अब इनको हम पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी सिक जाएं। अब इनको पलटते हुए दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे इनको। देखिए, बढ़िया सा गोल्डन कलर इन पे आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए, बहुत जल्दी बनके तैयार हो गए हैं ये। देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन के तैयार हुए हैं ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।